जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुग्रीव शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर। दोस्तों, 1BHK का एक बहुत प्यारा सा फ्लैट आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ये 1BHK का फ्लैट जब आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक छोटे परिवार की जरूरत के हिसाब से ये 1BHK का फ्लैट हमने डिजाइन किया है और बनाया है। इसकी जो मेकिंग है वो बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल ये फ्लैट है। दोस्तों जब आप यहाँ आएंगे तो डेफिनेटली आपको ये फ्लैट पसंद आने वाला है। इसमें जो हमने काम किया है, चाहे वो दोस्तों वुडन वर्क हो या फिर दोस्तों मेकिंग में हमारी टाइल वर्क हो, हमारी सीलिंग वर्क हो, और किसी भी तरह का काम दोस्तों जो आप इस फ्लैट में देखेंगे वो आपको एक नेक्स्ट लेवल का काम नजर आने वाला है। तो छोटे परिवार के लिए दोस्तों बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार सा हमारा ये 1BHK का फ्लैट है। रजिस्ट्री के साथ है दोस्तों, बाइक की पार्किंग के साथ है, मेन मेट्रो लाइन से अगर डिस्टेंस की बात करूं तो लगभग दोस्तों 1 से 1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल मेन मार्केट के नजदीक ये फ्लैट है, बहुत प्यारी मार्केट है, आपकी जरूरत की सारी चीजें यहां पर आपको मिलेगी। गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, और इसके अलावा दोस्तों हॉस्पिटल और डेली नीड की हर चीज आपको आपके फ्लैट के बिल्कुल नजदीक मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों लोकेशन के लिहाज से ये फ्लैट बहुत बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एक बहुत छोटी सी विजिट आपके इस 1BHK फ्लैट की। तो दोस्तों हम लोग हैं बिल्डिंग के ठीक बाहर और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 25 फीट की हमारी ये लेन है और यहाँ पर दोस्तों हमारी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में नीचे पार्किंग है। फ्रंट की तरफ दोस्तों हमारे 2BHK के फ्लैट हैं और उसके ठीक पीछे हमारा 1BHK का फ्लैट है। जो बैक लेन है हमारी वो 10 फीट की है। आसपास की लोकेशन बहुत अच्छी है, सारे बिल्डर फ्लोर्स दोस्तों यहाँ बने हुए हैं। यहाँ पर शिवरेज है, इसके अलावा आप देखेंगे कि गैस की पाइपलाइंस हैं और पानी दोस्तों यहाँ पर रेगुलर आता है। सामने हमारी मेन मार्केट है, मेन मार्केट से आप जैसे राइट लेंगे, राइट लेके एक टर्न आपको और लेना होगा और आप पहुंच जाएंगे मेन मेट्रो लाइन तक। यहाँ दोस्तों बिल्डिंग की एलिवेशन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वाइड हमने एंट्री यहाँ पर दी है, जिसके लिए कि जब आप फ्रंट में अगर फ्लैट लेते हैं और आपको गाड़ी की पार्किंग मिलती है तो आप इजिली गाड़ी को पार्क कर सकें, या फिर अगर आपकी बाइक है तो बाइक भी यहाँ पर आप इजिली पार्क कर सकते हैं। मीटर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, जब आप यहाँ आएंगे तो मीटर आपको यहाँ पर लगे हुए पहले से ही मिलेंगे। दोस्तों रैंप काफ़ी अच्छे से बनाए हैं जिससे कि आपकी बाइक या फिर आपकी गाड़ी इजीली अंदर आ सके। एलिवेशन पर प्रॉपर टाइल वर्क यूज़ किया है, आप देख सकते हैं कि कंप्लीट एलिवेशन बहुत खूबसूरत यहां पर दी गई है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूं आपकी पार्किंग की तरफ। तो ये दोस्तों हमारी पार्किंग है, पार्किंग में नीचे आप देखेंगे कि आपको ग्रेनाइट पत्थर हम लोग यहाँ पर लगा कर दे रहे हैं। दोस्तों ग्रेनाइट काफ़ी हार्ड पत्थर होता है तो गाड़ियों के आने जाने से ये टूटता नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे कि तीनों तरफ आपको प्रॉपर टाइल वर्क मिलता है। टाइल वर्क दोस्तों लगभग हम लोग 4 फीट के हाइट तक आपको करवा कर यहाँ पर दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी और हाई क्वालिटी की टाइल्स हैं, जिससे कि पार्किंग को मेंटेन करने में, साफ सफाई में दोस्तों काफ़ी सुविधा रहती है। सीलिंग की अगर बात करें तो आपको LED लाइट्स यहाँ पर हम लोग लगा कर देंगे। LED लाइट्स से दोस्तों पूरी पार्किंग में आपको प्रॉपर रोशनी यहाँ पर मिलने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्ट्रक्चर है इस बिल्डिंग का वो काफ़ी हैवी दिया गया है और इसका आप देख सकते हैं कि जो लटक बीम है, इसे दोस्तों लटक बीम बोलते हैं, ये लटक बीम काफ़ी हैवी दिया गया है, लगभग 1.5 फीट की लटक पर ये दिया गया है, जिससे पता लगता है कि बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी हैवी दी गई है, इसके कॉलम्स कितने हैवी हमने यहाँ पर रखे हैं। तो ये है दोस्तों हमारी पार्किंग और इस पार्किंग में ये हमारा जीने का सेक्शन है और जीने के सेक्शन के ठीक नीचे आप देखेंगे कि मोटर सेक्शन यहाँ पर दिया गया है। जितनी भी पाइप की फिटिंग्स है दोस्तों वो हाई क्वालिटी की है। जितनी सैनिटरी फिटिंग आपको मिलेगी हमारी बिल्डिंग्स में, गुरु महादेव रियल एस्टेट की हर बिल्डिंग में हम लोग प्रीमियम क्वालिटी का वर्क करते हैं दोस्तों, तो कभी भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। यहाँ से हमारा स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस क्योंकि दोस्तों इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है इसलिए स्टेयरकेस यहाँ पर काफ़ी छोटे साइज का रखा गया है और आप देख सकते हैं कि लगभग 5.5 इंची का ही स्टेप यहाँ पर रखा गया है, जिससे कि ईजिली आप यहाँ पर मूव ऑन कर सकें। और इसकी जो विड्थ है ये पूरी 3 फीट की रखी गई है, जिससे कि आप जब भी कोई सामान लेकर ऊपर जाएं तो इजीली यहाँ पर जा सकें। डबल मोल्डिंग का वर्क आपको मिलता है दोस्तों और जीने पर जो पत्थर यूज किया गया है ये ग्रेनाइट का पत्थर है। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं अब आपके 1BHK फ्लैट की तरफ। स्टेयरकेस से ऊपर आने के बाद दोस्तों ये हमारी कॉमन लॉबी है और जब आप ऊपर आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपका 2BHK का फ्लैट है और राइट हैंड साइड की तरफ हमारा 1BHK का फ्लैट है। 1BHK के फ्लैट के बाद दोस्तों आज ही हम लोग 2BHK के फ्लैट की वीडियो भी शूट करेंगे, लेकिन ये वीडियो हम लोग 1BHK के बाद अपलोड करेंगे। तो अगर आप 2BHK का फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो बहुत प्यारा और बहुत शानदार ये ऑप्शन है दोस्तों, 1BHK की वीडियो के बाद आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा।
तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं आपके और 1 BHK फ्लैट की तरफ। तो ये दोस्तों हमारा लिविंग स्पेस है हमारे 1 BHK का, और लिविंग स्पेस के साइज की सबसे पहले बात करता हूं तो ऑलमोस्ट 11 फीट बाय और 10 फीट का आपको इसका साइज मिलता है। 1 BHK में दोस्तों आपको इतना ही साइज मिलता है, लेकिन ये साइज इनफ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो L टाइप का सोफा आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। L टाइप के सोफे में दोस्तों आप 5 to 7 पर्सन की सीटिंग इजिली दे सकते हैं। यहाँ पर अभी बैक साइड पर वॉलपेपर लगना है, लेकिन वॉलपेपर हम चाहते हैं कि जब आप पसंद करें तो आपके ही पसंद का यहाँ पर लगे। और जब ये वॉलपेपर लगेगा दोस्तों, इस वॉल पर भी लगना है और इस वॉल पर भी लगना है, तो इस लिविंग स्पेस की गेटअप और भी शानदार यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर आपकी शॉफ्ट है, शॉफ्ट काफी बड़ी दी गई है दोस्तों, जिससे कि आपके लिविंग स्पेस में प्रॉपर वेंटिलेशन आपको रेगुलरली मिले। इस लिविंग स्पेस में जो टाइल वर्क हमने यूज किया है, ये टाइल वर्क दोस्तों डिजिटल ये टाइल यूज की गई है, जो कि हाई ग्लॉस की है और स्क्रेचलेस ये टाइल्स है दोस्तों। और इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो 5 mm का स्पेसर दिया गया है, और स्पेसर देने के बाद इसमें ग्राउट की फिलिंग की गई है, जिससे इसकी गेटअप काफी अच्छी आपको जरूर दोस्तों वीडियो में लग रही होगी। सोफे के ठीक सामने आप देखेंगे कि आपको LED पैनल मिलता है, और LED पैनल भी दोस्तों काफी अच्छा और बड़ा यहाँ पर लगाया गया है। लिविंग स्पेस के साइज के हिसाब से दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट आपका ये LED पैनल है। इस LED पैनल में आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ भी आपको फोकस लाइट्स मिलती हैं, और नीचे भी दोस्तों हमने इसकी चारों तरफ कॉब लाइट दी है। देन यहाँ पर आपको बड़ा स्पेस मिल जाता है आपका TV इंस्टॉल करने के लिए, और उसके अलावा नीचे दोस्तों स्विच एंड सॉकेट भी आपको प्रॉपरली मिलते हैं। एक आपको ड्रॉअर मिलती है, ओपन आपको यहाँ पर टॉप मिलता है। जो कलर कॉम्बिनेशन रखा गया है दोस्तों, ये भी यहाँ पर काफी अच्छा आपको मिलता है। यानी कि दोस्तों सोफे के ठीक सामने बिल्कुल परफेक्ट प्लेसमेंट है आपके LED पैनल की। सीलिंग की अगर बात करें तो सीलिंग का डिजाइन गुरु महादेव रियल सेट के हर फ्लैट की तरह यहाँ भी आपको काफी यूनिक मिलता है। सिंपल सोबर और बहुत प्यारा सा दोस्तों हमने यहाँ पर डिजाइन दिया है, और आप देखेंगे कि जो LED लाइट्स हैं वो हमने थोड़े से बड़े साइज की लगाई है, जिससे कि पूरे घर में आपकी रोशनी काफी अच्छे से रहे, लिविंग स्पेस प्रॉपरली आपका दोस्तों अच्छा लगे। अगर आप चाहते हैं कम लाइट जलाना तो उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप कम लाइट भी यहाँ पर जला सकते हैं। लिविंग स्पेस के बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारी किचन के बारे में, जो कि लिविंग स्पेस के बिल्कुल ठीक साथ में है और ओपन किचन है। किचन में एंटर करने से पहले मैं आपको फ्रिज का स्पेस दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा फ्रिज का स्पेस है, नीचे आप देख सकते हैं कि फ्रिज को इंस्टॉल करने के लिए स्विच एंड सॉकेट भी प्रॉपरली आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद एंट्री होती है हमारी किचन के अंदर। किचन में जब हम लोग एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किचन के साइज की। तो किचन का जो साइज है दोस्तों वो ऑलमोस्ट 5 फीट बाय और लगभग दोस्तों 7 फीट का है। तो 5 फीट बाय और 7 फीट की आपको ये किचन मिलती है। ये किचन दोस्तों बेशक 1 BHK के फ्लैट की है, लेकिन इस किचन के अंदर आपको उतना ही स्पेस मिलेगा जितना कि नॉर्मली 2 BHK के फ्लैट की किचन के अंदर मिलता है। ठीक स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्टिंग करना चाहूंगा। ओपन शेल्फ मिलती है आपको, 3 ओपन शेल्फ मिलती है, जो कि वुडन के साथ की बनाई गई है दोस्तों, लेमिनेट किया गया है जिसके ऊपर। तो यहाँ पर आप अपना कोई भी सामान किचन का रख सकते हैं। इसके बाद शुरू होती है दोस्तों आपकी किचन। तो यहाँ पर आपको L टाइप का टॉप मिलता है, ब्लैक ग्रेनाइट का पत्थर यहाँ पर हम आपको लगा कर दे रहे हैं दोस्तों। डबल मोल्डिंग का वर्क आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और इस किचन के अंदर ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको जो स्टोरेज है दोस्तों वो काफी अच्छी खासी मिल जाती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ आप देखिए कि काफी अच्छा खासा स्पेस आपको मिलता है, बीच में 2 पार्टीशन दिए गए हैं, तो 3 आपको जो पॉइंट्स मिल जाते हैं दोस्तों, जहां पर अपना सामान रख सकते हैं। अंदर भी माइका है और बाहर भी माइका लगाई गई है, और इसमें जो हमने कब्जे यूज किए हैं ये हाइड्रोलिक कब्जे हैं दोस्तों, तो हल्का सा टच करेंगे और इजीली ये बंद हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारी चिमनी का सेक्शन है, चिमनी के नीचे आप देखेंगे कि आपको जो गेस्ट स्टोव रखने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, और इस तरफ भी चिमनी के इस तरफ भी दोस्तों आपको प्रॉपर स्टोरेज मिलती है, आप देख सकते हैं। तो काफी सामान रखने की जगह है, और ये दोनों कवर्ड स्पेस है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर अगेन एक ओपन शेल्फ मिलती है, जहाँ पर 3 आपको ओपन शेल्फ मिल जाती है सामान रखने के लिए। और उसके बाद दोस्तों इस किचन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है हमारी ये विंडो। हमारी बहनों की हमेशा ही डिमांड रहती है कि किचन बाहर की तरफ होनी चाहिए, जिससे कि फ्रेश एयर और वेंटिलेशन उनको किचन के अंदर लगातार मिलता रहे। तो यहाँ आप देखेंगे कि काफी बड़ी विंडो आपको मिलती है, ऊपर आपको एग्जॉस्ट लगाने के लिए भी प्रोविजन मिलता है अगर आप एग्जॉस्ट लगाना चाहते हैं। और उसके नीचे दोस्तों आपको काफी बड़े लेवल का बड़े साइज का सिंक मिल जाता है, ऊपर आपको टैंक मिलते हैं गर्म पानी, ठंडे पानी और डायरेक्ट पानी के दोस्तों। और अगर आप RO लगाना चाहते हैं तो RO के लिए भी प्रोविजन यहाँ पर हमने दिया है। ऊपर दोस्तों जो किचन का गीजर है उसको लगाने के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं, और वहीं पर उसका स्विच एंड सॉकेट भी दिया गया है। एक पॉइंट
आरओ के लिए है और एक जो है दोस्तों वो आपके गीजर के लिए है। तो ये है दोस्तों बहुत प्यारी सी किचन। इसमें अगर मैं टाइल वर्क की बात करूं तो थोड़ा सा डिफरेंट शेड देने की कोशिश की गई है टाइल्स की, तो बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों और डिजाइनर टाइल आपको यहां पर हम लोग लगा कर देंगे। नीचे की स्टोरेज भी दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो आप देखेंगे कि जितनी भी बास्केट्स हैं वो सारी की सारी काफ़ी अच्छी और हाई क्वालिटी की यूज़ की गई है। जितना भी स्टील है वो प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ किया गया है दोस्तों, और हर तरीके की जो क्रॉकरी है उसको रखने के लिए आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। तो इनफ स्टोरेज है दोस्तों नीचे भी और ऊपर भी आपकी इस किचन में। किसी भी एंगल से ये किचन देखने के बाद आप नहीं कह पाएंगे कि ये किचन आपकी 1 BHK की किचन है। तो ये थी किचन दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि किचन आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि इस किचन के अंदर न केवल स्पेस अच्छा है बल्कि इसकी जो कलर और डिजाइनिंग है और साथ में दोस्तों जो लाइट वर्क इसमें आपको देखने को मिलेगा वो काफी अच्छा मिलता है। किचन के बाद दोस्तों अब हम लोग मूव करेंगे हमारे कॉमन वॉशरूम की तरफ, और उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे बेडरूम की तरफ। तो ये दोस्तों आपका कॉमन वॉशरूम है, एक ही वॉशरूम है आपके इस 1 BHK फ्लैट में, लेकिन दोस्तों ये वॉशरूम काफी बड़ा है। इसके अगर मैं साइज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 8 फीट by 4 फीट का आपका ये वॉशरूम है। इस वॉशरूम के अंदर दोस्तों जो आप इसका काम देखेंगे, इसमें जो डिजाइनिंग पार्ट देखेंगे और इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे टाइल्स का, तो आपको ये वॉशरूम बहुत अच्छा लगेगा। साइज भी बड़ा है दोस्तों। इसके अलावा अगर टाइल्स की बात करूं तो ब्राउन कलर में ये बेसिकली रखा गया है, इसका जो बेस थीम है वो ब्राउन रखा गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दो वॉल्स नहीं बल्कि दोस्तों जो हमारा बेडिंग एरिया है, यहाँ आप टफन का पार्टीशन दे सकते हैं। यहाँ से के बाद आपका बेडिंग एरिया शुरू हो जाता है जो लगभग दोस्तों 3 फीट का है। 3 फीट by 4 फीट का इनफ स्पेस है आपके बेडिंग के लिए। यहाँ पर आपको मिक्सर मिलता है दोस्तों, ऊपर आपको रेन शावर मिलता है, सीलिंग की आपको लाइट मिलती है दोस्तों। इस तरफ आप देखेंगे कि वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर आपको शाफ्ट मिलती है, अपना एग्जॉस्ट फैन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और इस वॉशरूम के अंदर जो टाइल्स यूज की गई है दोस्तों, ये सेगमेंट की टाइल्स यूज की गई है, वो प्रीमियम क्वालिटी है, और नीचे आपको पानी निकलने के लिए प्रोविजन मिल जाता है। तो काफी शानदार सा दोस्तों ये वॉशरूम है, जिसमें बेडिंग एरिया बिल्कुल एक तरफ आपको मिलता है, उसके बाद आपको मिलती है आपकी 1 पीस की शीट, और उसके साथ आपको मिल जाता है दोस्तों डिजाइनर वॉश बेसिन। और इसमें दोस्तों नीचे जो पानी निकलने के लिए पाइप लगाया गया है, ये स्टील का पाइप है, ये वॉल माउंट पाइप है दोस्तों। और इसके अलावा देखेंगे कि वॉश मशीन के ठीक ऊपर भी हमने एक फोकस लाइट लगाई है, जिससे कि जब आप यहाँ पर अपना लुकिंग मिरर लगाएंगे तो इजीली आप अपने आप को उसमें देख सकें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी जो हमने डेप्थ रखी है वो लगभग 1.5 इंच नीचे रखी है, जिससे कि वॉशरूम का पानी बाहर की तरफ ना आए। तो ये है दोस्तों हमारा वॉशरूम। वॉशरूम बहुत अच्छे से डिजाइन हमने किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वॉशरूम जरूर पसंद आया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे बेडरूम के बारे में। 1 BHK का फ्लैट है तो एक ही बेडरूम हमें यहाँ पर मिलता है। साइज की अगर बात करें तो 11 फीट की इसकी लंबाई है और 10 फीट की इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर आप अपना बेड इजीली लगा सकते हैं, 6 फीट by 6 फीट का बेड दोस्तों यहाँ पर आप आराम से लगा पाएंगे। और बेड के पीछे की वॉल अभी डिजाइनर होनी बाकी है, यानी कि दोस्तों वॉलपेपर लगना बाकी है, आपके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर वॉलपेपर लगा देंगे। नीचे आपको स्विच एंड सॉकेट मिलते हैं जो कि बेड के साथ आपको काफी यूजफुल रहते हैं। बेड के ठीक सामने आप देखेंगे कि आपको LED लगाने के लिए प्रॉपर प्रोविजन मिलता है दोस्तों। यहाँ पर LED पैनल हमने नहीं लगाया है, लेकिन आपको प्रॉपर स्विच एंड सॉकेट मिलते हैं, जिससे कि आप अपना TV यहाँ पर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इस रूम के अंदर दोस्तों जो सीलिंग का डिजाइन है ये भी आपको अलग मिलता है, यानी कि विद LED लाइट एंड कॉब लाइट मिलता है। और इस फ्लैट के अंदर दोस्तों हम लोग 2 फैन भी आपको लगा कर दे रहे हैं, एक लिविंग स्पेस में और एक आपके बेडरूम के अंदर। यहाँ मिलती है आपको आपकी वार्डरोब, और वार्डरोब के साथ साथ आपको मिलता है आपका ड्रेसिंग एरिया। सबसे पहले बात करते हैं ड्रेसिंग एरिया की दोस्तों, तो काफी बड़ा यहाँ पर लुकिंग मिरर हम लोग लगा कर दे रहे हैं, जिसमें जिसके सामने खड़े होकर आप अपने आप को नीचे से ऊपर तक इजीली देख पाएंगे। और ऊपर आपको 2 ओपन शेल्फ मिलती है जिसमें काफी सामान आप रख सकते हैं। और नीचे की तरफ भी आप देखेंगे कि आपको एक काफी डीप ड्रॉर मिलती है, और एक दोस्तों यहाँ पर हम लोग शटर भी लगा कर दे रहे हैं। अंदर भी दोस्तों इसमें माइका है, बाहर भी माइका है, यानी कि साफ सफाई करने में काफी सुविधा आपको रहेगी। और यहाँ पर आपको मिलती है आपकी वार्डरोब। वार्डरोब दोस्तों काफी बड़ी है, आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे भी एक ड्रॉर हम लोग लगा कर दे रहे हैं, और 2 लोगों तक के कपड़े दोस्तों आप यहाँ पर इजिली रख सकते हैं। ये रूम प्रॉपर वेंटिलेटेड भी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ी विंडो आपको मिलती है, ऊपर की तरफ आपको विंडो AC लगाने के लिए प्रोविजन मिलता है, नीचे आपको सेफ्टी ग्रिल मिलती है, और उसके बाद आपको जो ग्लास वाली विंडो है दोस्तों वो मिल जाती है। और इसी रूम से आपका आपकी एंट्री और एग्जिट है आपकी बालकनी के लिए। तो चलिए अब आपको ले जाता हूँ आपकी बालकनी की तरफ।
तो ये आपकी बालकनी है दोस्तों। बालकनी हमने स्क्वायर में रखी है, 4 फीट बाय और 4 फीट की आपको यहाँ पर बालकनी मिलती है। बाहर दोस्तों हमने एक वॉल यहाँ पर दी है और वॉल के ऊपर का जो टॉप है वो 10 इंची का एक स्लैब दिया है जो कि ग्रेनाइट पत्थर में है, जिसे कि यहाँ आप अपने गमले अगर रखना चाहते हैं तो गमले भी रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर डिजाइनर टाइल हमने लगा कर दी है दोस्तों, और क्योंकि बालकनी आपका वॉशिंग एरिया भी होता है तो उस चीज़ का ख्याल रखते हुए हमने यहाँ पर टैप दिया है, स्विच एंड सॉकेट दिया है और नीचे आपको पानी निकलने के लिए जगह भी दी है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम एलिवेशन की बात करें तो रूफ हाइट तक ही आपको टाइल वर्क मिलता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर छत पर भी दोस्तों हमने थोड़ा सा डिजाइनर पैटर्न डाला है आपके वाइट वॉश के अंदर। तो ये है दोस्तों आपकी बालकनी। पीछे की जो लेन है दोस्तों वो हमारी 10 फीट की है। तो ये है दोस्तों हमारा 1 BHK का फ्लैट। इस 1 BHK के फ्लैट में जब आप आएंगे और आप देखेंगे दोस्तों तो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है, क्योंकि छोटे परिवार के लिए इसमें हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। किचन भी दोस्तों काफ़ी स्पेशियस है, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, रूम का साइज भी दोस्तों बिल्कुल अच्छा है और आपका लिविंग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि मार्केट के बिल्कुल नज़दीक है, स्कूल नज़दीक है, हॉस्पिटल नज़दीक है, यानी कि आपकी डेली नीड की हर चीज़ आपको आपके इस फ्लैट के नज़दीक मिल जाती है। इसकी जो कीमत है दोस्तों वो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहां जाकर आप इसकी कीमत देख सकते हैं। मेरे काफी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि हमने जो कीमत है वो नहीं बताई है। मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसकी कीमत हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि ठीक नीचे वीडियो के नीचे अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन आप कर सकते हैं, वहां पर इसकी कीमत डाल दी है, वहां जाकर आप इसकी कीमत देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस फ्लैट से रिलेटेड, इस बिल्डिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे कस्टमर केयर नंबर पर, जो कि 9811700128 है, 9811700158 है, जो कि स्क्रीन पर दोस्तों आप देख भी रहे होंगे, जो नंबर चल रहे हैं वहां आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमने रिसेंटली बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज अपलोड की है, इंडिपेंडेंट हाउस की वीडियो अपलोड की है। अगर आपने मिस कर दी है तो जल्दी से जाइए गुरु महादेव रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म पर, यानी कि हमारे चैनल पर, और वहां जाकर दोस्तों उन्हें देख लीजिए। और इसके बाद इस 1 BHK के बाद दोस्तों हम लोग इसी बिल्डिंग की 2 BHK की वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। तो जो मेरे दोस्त 2 BHK का फ्लैट ढूंढ रहे हैं उनके लिए वो एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो देर ना करते हुए दोस्तों आप जल्दी से विजिट कीजिए, क्योंकि इस फ्लैट के अलावा और बिल्डिंग के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK के ऑप्शन हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेज के ऑप्शन हैं। तो जो भी आपकी नीड है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी गुरु महादेव रियल एस्टेट पर पूरी हो सकती है। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।